हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक समरी, जिनके लेखक हैं जॉन डोनी। ये क्लास ट्वेल्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम आपको पहले बता रहे हैं, ये बहुत ही बार आ चुका है। इसमें कवि साहब ने अपनी प्रेमिका के बारे में अटूट प्यार को बताया। वो उनकी एक प्रेमी थी, वो अपनी प्रेमी से इतना प्यार करते थे और उन्हीं प्रेमी के डीप लव को उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया है इस कविता में। उस कविता को हम समराइज करके आपको बताने वाले हैं। देखिए, बिना देर करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज़ अ लव पोएम विच हैज़ बीन कम्पोज बाय द पोएट जॉन डोनी। ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, ये एक प्यार का कविता है, ये एक प्रेम कविता है, विच हैज़ बीन कम्पोज बाय, जिसे जॉन डोनी महोदय ने लिखा है। इस प्यार भरे कविता को किसने लिखा है? जॉन डोनी महोदय ने लिखा। आगे देखिए क्या बोलते हैं। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस ये जो वर्तमान में हम जो कविता पढ़ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता में कवि साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्यार के एहसास को बताया है। ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव, बहुत ही प्यार खूबसूरती तरीके से अपने प्यार के एहसास को बताया। व्हेन लव पार्ट्स विद ईच अदर दे सो द पैशन ऑफ लव। जब भी कोई प्रेमी, व्हेन लवर्स पार्ट्स विद द ईच अदर, जब भी कोई प्रेमी आपस में एक दूसरे से अलग होते, दे सो द पैशन ऑफ लव, वे अपने प्यार के पागल पैशन को, जुनून को दर्शाते हैं। तो अगर कोई भी आपके समाज में देख लो कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है, तो वो दोनों किसी कारण बस अगर समाज या किसी कारण से वो दोनों अलग होते हैं, तो वो थोड़ा मेंटली हरासमेंट, पागलपन टाइप का जुनून एक होता है प्यार का। तो वो मतलब बता रहे हैं कभी कि प्यार में ऐसा होना जरूरी है। द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड नॉट बिकॉज ही हैज़ बिकम फैट विद हर और होप्स गेट अ फिटर लव। कवि साहब जो है ना, वो अपने प्रेमिका से अलग होना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट की बात यह है, कवि साहब देखो, कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका से अलग नहीं होना चाहे, लेकिन कवि साहब अपनी प्रेमिका से अलग होना चाहते हैं। क्यों? इसीलिए अलग होना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? वो हम आगे बढ़ते हैं, वो पहले ये बता रहे हैं। द पीपल द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज लव। कवि साहब अपने प्रेमिका से इसलिए अलग होना चाहते हैं, नॉट बिकॉज, इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं है, ये बात उसमें नहीं है कि उनका प्रेम से या उनके प्यार से, अपने प्रेमिका के प्यार से उनका मन बढ़ गया या उनसे आशा बढ़ गया, ये बात नहीं। किस कारण से वो अलग होना चाहते हैं, देखिए बहुत ही आगे अच्छे से बताए हैं। ही वॉन्ट्स टू लिव हिज बिलव्ड बिकॉज ही नो एज वेल दैट द डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। ही वॉन्ट्स टू लिव हिज बिलव्ड बिकॉज ही नो एज वेल दैट डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आने वाले समय में एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मौत निश्चित आएगी और उनको अलग होना पड़ेगा। और जब भी कोई दो प्रेमी है, अब वो एक दूसरे से, ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों प्रेमी है और दोनों प्रेमी का मौत एक ही समय आएगा, दोनों चले जाएंगे तो दुख नहीं होगा। बोलते हैं मौत तो निश्चित आएगी, और जिस दिन मौत आएगी तो क्या उस दिन हम लोग कैसे अलग रहेंगे, इस बात को लेकर के वो अपने प्रेमी से अलग होना चाहते हैं। देखिए कितना दूर का सोच है जॉन डोनी साहब का। द पोएट एश्योर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक लाइक द सन कम्स एवरी डे। द पोएट एश्योर्स, कवि साहब ये बताना चाहते हैं कि ही विल कम बैक, वो जरूर वापस आएंगे जिस प्रकार सूर्य प्रत्येक दिन आता है। उनकी यादों में नहीं, कुछ तो प्रेमिका की यादों में आएंगे कवि साहब। तो ये बोलते हैं कि कभी ना कभी मैं हर मतलब सूर्य की तरह प्रत्येक दिन आप तुम्हारे प्यार में आऊँगा, एहसास में आऊँगा। जिस तरह सूर्य के भी हम जैसे शाम के साथ शाम होता है, तो हम लोग आशा रखते हैं ना कल सूरज आएगा, वो आता है, अब आदत बन गया हम लोग को, अगर मान लीजिए तो आशा हो गया। इसी तरह कवि साहब भी कहते हैं मैं भी आपके प्यार में अवश्य आऊँगा। द पोएट प्रोमिसेज हिज बिलव दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। द पोएट प्रोमिसेज, कवि साहब ये वादा करते हैं हिज बिलव, उसका जो प्यार है, दैट रिटर्निंग विल बी फास्टर देन सन, उनका प्यार एक दिन आएगा और सूर्य से तेज रफ्तार। ये कहना था किनका? जॉन डोनी साहब का। उन्होंने अपने शब्दों में इस बात को व्यक्त किया है। देखिए कवि साहब अपने प्रेमी से इतना सोचिए प्यार करते थे कि उनके लिए वो अलग होना चाहते थे, और अलग तो हुए, उनको एहसास दिलाना चाहते थे अपनी प्रेमिका को कि अगर हम अलग भी हुए तो हम आएंगे और आपकी याद में आएंगे, और सूर्य की तरह प्रत्येक दिन, ये नहीं आएंगे प्रत्येक दिन याद में आएंगे, इस सेंस से उनका कहने का मतलब है। फाइनली एसर्ट्स दैट दोज हु ट्रूली लव विद ईच अदर आर
नेवर पार्टेड नेवर डाइड अल्टीमेटली मेट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। फाइनली अंत तक कवि साहब बताना चाहते हैं अगर कोई दो प्रेमी अगर सच्चा प्यार ईच अदर एक दूसरे के साथ अगर पड़ता है दे आर नेवर पार्टेड तो वे लोग कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, वे लोग कभी जुदा नहीं हो सकते एंड नेवर डाइड और वे लोग कभी मरते भी नहीं हैं, उनका प्यार कभी नहीं मरता एंड अल्टीमेटली मीट इन अगर कोई समाज या किसी कारण से अगर वो मर भी जाता है तो दे मेट इन हेवन वो निश्चित कभी ना कभी आगे स्वर्ग में मिलेंगे आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। इस फिजिकल ये हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद हमारा शरीर मर सकता है लेकिन आप लोग सुने होंगे आत्मा कभी नहीं मरती, तो आत्मा तो परमात्मा के पास मिलेगी। तो कवि साहब यही बताना चाहते हैं कि वो तो अपने प्रेमिका से मिलेंगे यहाँ नहीं तो वहाँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी 12th के दोस्त हैं उनको आप ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।